সো গাইস আমি চলে এসেছি আবার আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আমি আছি হচ্ছে দেখে না ফ্লাইওভারটা কলকাতা, এটা ইউপি। দাঁড়াও আমি ওখানে একটু নাস্তা দেখে আসি। कोलकाता के कॉमेडियन और एक्टर सैंडी साहा को उस वक्त झटका लगा जब तिलजला थाने की पुलिस ने एक वीडियो को लेकर उन पर जुर्माना लगा दिया। उस वीडियो में वो कोलकाता स्थित माँ फ्लाईओवर पर डांस करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि इस दौरान फ्लाईओवर पर बहुत ट्रैफिक था और बारिश भी हो रही थी, जिसके मद्देनज़र कोलकाता पुलिस ने असुरक्षा का हवाला दिया है। पुलिस की माने तो नियम तोड़ने के आरोप में सैंडी साहा पर जुर्माना लगाया गया है। सैंडी साहा और उस वक्त उनके साथ जो भी मौजूद था उसे भी नोटिस भेजा गया है। तिलजला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अवैध पार्किंग के लिए ड्राइवर और कार मालिक को भी नोटिस भेजा है। अब आइए आपको बताते हैं कि मामला आखिर है क्या। दरअसल ये वीडियो सैंडी साहा ने माँ फ्लाईओवर पर डांस करते हुए शूट किया था और 13 सितंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड किया था, जिसके बाद ये वीडियो खूब वायरल हुआ और अब तक उस वीडियो पर 4 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। लेकिन सैंडी साहा ने ऐसा किया ही क्यों? জলে জলে হ্যাঁ আমি এটা ইউপিতে আছি, দেখো আমার ইউপি কত উন্নয়ন করেছে, আমি এখন ইউপিতে আছি, ইউপিতে আমি এখানে কত সুন্দর উন্নয়ন। आपने सुना कि सैंडी साहा कह रहे हैं कि मैं कोलकाता में नहीं यूपी में हूँ, ये माँ फ्लाईओवर है जो यूपी का है। और सैंडी जिस गाने पर डांस कर रहे हैं वो है दिलवालों का दिल का करार लूटने, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि गाइज हम लोग कोलकाता में नहीं यूपी में हैं। तो एक ही कथा सुन लो सबाई के बोलते चाहिए, এইটা আমাদের ইউপি শহর, ইউপি শহরে সবাইকে স্বাগত। আমাদের ইউপিতে এসে তোমরা রয়্যাল বেঙ্গল দেখে যাও, মা ফ্লাইওভার দেখে যাও, নমস্কার। আমরা খুব সুন্দর উন্নয়ন করেছি, জয় জয় ইউপি, জয় ইউপি। हमने जब इस वीडियो को ध्यान से देखा तब हमें सैंडी का मकसद साफ समझ में आ गया। दरअसल ये वीडियो तब शूट किया गया है जब इस माँ फ्लाईओवर को उत्तर प्रदेश का बताकर योगी सरकार के विकास का एक विज्ञापन छपा था जो काफ़ी चर्चा में आया था। इस विज्ञापन पर बवाल होने के बाद सैंडी साहा ने ये वीडियो हंसी मजाक में बनाया था और योगी सरकार पर कटाक्ष करते हुए वो वीडियो में कह रहे हैं कि हम कोलकाता में नहीं उत्तर प्रदेश में हैं। लेकिन फ्लाईओवर पर किए गए इस एक्टिविटी के लिए उन्हें जुर्माना लगाया गया है। पुलिस के जुर्माना लगाने के बाद सैंडी साहा का दावा है कि उन्होंने कोई ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ा। हालांकि उन्होंने कबूल किया है कि उन्हें नहीं पता था कि फ्लाईओवर पर कारों को रोकना मना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हालात बंगाल, न्यूज़ टेक इंडिया।